गुड इवनिंग, सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग ज्योति, सुमन, श्वेता, स्मृति, पूनम, पूजा, नमिता। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, तो जीके प्लस सीडीपी के कल हमने 90 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे, और उसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी ने अपना अपना ओके आंसर जो है वो चैट ऑप्शन में जो है वो फटाफट आंसर करना है। जितनी फास्ट जो है वो आप लोग आंसर करेंगे उतनी जल्दी हम लोग जो है वो चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है? यस और नो? हाइड्रो यस सर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम बांग टू इज अक्रॉस द रिवर, बताइए जल्दी से। प्यास, सपनों उस रावी या फिर चिनाब? चैट ऑप्शन चेक कर, सतलुज आंसर भी करें साथ साथ में। यस, दीक्षा, दीक्षा का डी है, बाकी सुमन का सी है। जल्दी से आंसर चिनाब चिनाब भी ने। तो याद रखना है कच्छम बांगटू जो है वो आपका आ जाएगा सतलुज रिवर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है, एज पर सेंसिस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, 1 2 3 1 2 3 करेंगे 30 सेकेंड, 1 2 3 जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द हॉट स्प्रिंग मणिकरण इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर? पार्वती गब्बर, पार्वती 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 उहल या फिर बसपा? तो आपने याद रखना है पार्वती रिवर के किनारे। नेक्स्ट देखेंगे, महमूद गजनवी प्लंडर्ड नगर कोट, वेरी इंपॉर्टेंट। 1009 जल्दी 1009 से, 34 के लिए आपने याद रखना है 1009 एडी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? बज्जूराम बज्जूराम 35 बज्जूराम के लिए हम लोग बज्जूराम जाएंगे भज्जू राम। और अगर आपको फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या बोलेंगे? कांसीराम अब्दुल कांशीराम अब्दुल गफ्फार। गफर खान नेक्स्ट आता है, द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशनरी श्री यशपाल सिंह बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, हमीरपुर। हमीरपुर हमीरपुर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टर्म डिवीजन ऑफ पावर रेफर टू विच ऑफ द गवर्नमेंट? थर्टी सेवन के लिए आप फेडरल फेडरल जल्दी से, यूनिटरी है, फॉर्म फेडरल स्टेट है, नॉन बी ऑफ दिस? तो आपने याद रखना है इट कुड बी ऑप्शन नंबर बी। आनंद भवन इज रिलेटेड विद? 38 के लिए आंसर करना है। सरदार पटेल, देव आनंद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो आपने याद रखना है कि जो आपका आनंद भवन है दैट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद जवाहरलाल नेहरू। हु डिजाइन द पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? 39 के लिए, ए ऑप्शन बी एडविन डी, एडविन एडविन फोर्थ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड इन कोर्ट? जल्दी से, बहुत एफआईआर बहुत इजी, एफआईआर
एफ आई आर जो है वो आपका कोर्ट से डायरेक्टली एड्रेस नहीं होता है। एरिया ऑफ सेवन सिस्टर इज नॉन एज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ स्टेट। ईस्टर्न इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एजेस होल्ड ऑफिस टिल अटेन द एज ऑफ डैश ईयर। सिक्सटी, 62, 65, 65। ए 62, 62, 62, नहीं, 65, नेक्स्ट आता है द मुगल गार्डन ऑफ राष्ट्रपति भवन इज मॉडल्ड बाय ऑन। बी शालीमार गार्डन, नेक्स्ट आता है द फर्स्ट जनरल इलेक्शन टुक प्लेस लोकसभा। 51। 1951 to 52, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर, 45 यूएसएसआर, प्लेस ऑफ आयरलैंड, 45 के लिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, पशुपतिनाथ टेम्पल इज लोकेटेड। नेपाल, नेपाल। नेपाल, ठीक है, तो नेपाल आपका सही है। फर्स्ट मुस्लिम टू इन्वेड इंडिया वॉज। ए ऑप्शन ए, मोहम्मद मोहम्मद बिन बिन कासिम, कासिम। 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट आता है वेयर इज द लक्षद्वीप आईलैंड लोकेटेड। वेरी इजी, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, लक्षद्वीप। बे ऑफ बंगाल, आरबीएनसी, आरबीएनसी, अरेबियन सी, अरेबियन सी। केरला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द गार्डन केरला, स्पीसीज। केरला, केरला। केरला, केरला, केरला। लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया। सिक्किम, गोवा, सिक्किम। सिक्किम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हंग पार्लियामेंट। जल्दी से। ऑप्शन बी, 42 के लिए आंसर करना है द पार्लियामेंट विच नॉट पार्ट ठीक, एज क्लियर मेजोरिटी। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पावर इज एंजॉयड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ बी दी जॉइन बाय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ फॉलोइंग गंगाधर मुखर्जी, इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, दादा दादा भाई नौरोजी, भाई नरोजी। डायलिसिस नौरोजी, ऑफ यूज टू पेशेंट हैविंग किडनी किडनी ट्रबल, किडनी लिवर लंग या फिर ट्रबल, हार्ट। तो आप लोग क्या बोलेंगे? किडनी ट्रेवल, द बाउंड्री किडनी लाइन ट्रबल, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये भी काफी इजी है। टर्मिनल रेड क्लिफ, एपिसेंटर इज एसोसिएटेड विद। अर्थक्वेक, 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 अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वियर इज लोकेटेड। बिलासपुर, 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 कांगड़ा, नेक्स्ट ओ हाँ यस सर, कांगड़ा, कांगड़ा, आता है नेशनल सोलह, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी NIT हमीरपुर। हमीरपुर, हमीरपुर में ही है। नेक्स्ट है हमीरपुर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लो लिटरेसी रेट। चंबा, चंबा। चंबा, चंबा,
चलिए साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोड, जल्दी से। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ऑप्शन सी, सी मीडियन माइनस टू मीन। थ्री मोड मीडियन टू माइनस टू मीन। वर्बल गाइडेंस ऑफ लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, कॉन्सेप्ट एंड परस्पेक्टिव, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट एंड परस्पेक्टिव। स्किल्स, बैकवर्ड चिल्ड्रन प्रोसेसेस पोजेसेस या फिर प्रोसेसेस। मेंटल रिटायर्डनेस, थर्ड के लिए आंसर करो जल्दी से। दूध ए लेने से जाते हैं ना स्टाइम मलेशिया आती है उसको, बहुत एजुकेशनल अटेनमेंट अच्छा बिलो देयर ऑन खाती एबिलिटीज, तो मैं स्टैंडर्ड भी आई थी। प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बाय जेसी रावन इज यूज्ड टू पीछे वाला कैलकुलेट। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन कर दो, तो तीसरा वर्बल क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन कर दो, क्या करना है? वर्बल थोड़ा सा इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन कर दो, मतलब कि बी ऑप्शन कैसे है, मतलब ये वाला यस सर। बैकवर्ड चिल्ड्रन जो एजुकेशन अटेनमेंट होती है उनकी बिलो रहती है उनकी एबिलिटी से, बैकवर्ड उनको ही बोलते हैं जिनकी मेंटली रिटार्डेड तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन अटेनमेंट जो उनकी एजुकेशनल अटेनमेंट होती है वो बिलो रहती है एबिलिटी के कंपैरिजन में, ये बोल सकते हैं हम बैकवर्ड चिल्ड्रन को। ओके ओके फोर्थ के लिए आंसर करना है जल्दी से। स्पेशल इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी, यस सर, बी, ऑप्शन सी, लीड ड्राइव एंड ऑप्शन बी, इंसेंटिव, ऑप्शन नंबर। इंसेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सी सी इज स्ट्रॉन्ग, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी। यस डी, सर। चलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला कैलकुलेटिंग आईक्यू? ऑप्शन ए, 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 ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू द प्याजे ईगो सेंट्रिक इज, बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेंसोरी मोटर, बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट, अभी पढ़ा है 3-4 दिन पहले, एडमिशन ऑफ ए चाइल्ड टू ए पर्टिकुलर क्लास इज ऑन द बेसिस ऑफ, एज ऑफ चाइल्ड, जल्दी से बताइए। बी, एज ऑफ ए चाइल्ड। गिर नेक्स्ट है, जाएगा कंक्रीट नीचे, वो प्रोफेशनल खेलना ना खेलना स्टाइल, उनके साथ। प्लीज माइक ऑफ, ज्योति ऑफ कर लीजिए माइक। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ ए कॉग्निटिव डेवलपमेंट कवर द एज रेंज, बताइए जल्दी से। क्या ऑप्शन सी, टू 11 ईयर्स, आ जाएगा? 7 to 11 years। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय, प्रो एंड क्रो, ई अपील, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, केस स्टडी मेथड, स्टडी मेथड, जल्दी से आंसर करना है सभी ने। केस स्टडी मेथड, नेक्स्ट आता है, हु सेड मेंटल हाइजीन मीन इन्वेस्टिगेशन द लॉ ऑफ मैन मेंटल हेल्थ एंड टेकिंग मेजर फॉर इट्स प्रिजर्वेशन। ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। सेंसेस इज द गेटवे ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ऑप्शन डी, डी रूसो। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एंड डैश एडेप्टेशन। बिहेवियर बिहेवियर, बिहेवियर। बिहेवियर। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज बोंट एस्टेब्लिश। बोंट 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 चिल्ड्रन हूज मेंटल एज लोअर देन क्रोनोलॉजिकल एज इज कॉल्ड। लर्निंग डिसेबल, लर्निंग डिसेबल। सेवनटीन जल्दी से आंसर करना है। 17th के लिए क्या आएगा? डी। डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे। नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड इज विच काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया। नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द वर्ल्ड। 18 के लिए क्या आएगा? डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी, श्योर नन हो? ऑफ दी, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट है। अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्राइड द अग्रेसिव बिहेवियर इज रिलेटेड टू? फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रोवे, हु इज द फाउंडर ऑफ प्लेवे मेथड? प्रोवे, प्रोवे, के लिए ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन? ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल कंट्रोल, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग। यस सर, यस सर। हु सेड इन्फेंसी इज द आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग? वैलेंटाइन, वैलेंटाइन, वैलेंटाइन। यस। ए चाइल्ड हिज एकेडमिक अचीवमेंट इज लेस देन 40, हिज द चाइल्ड इज लाई अंडर? बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड बैकवर्ड चाइल्ड, चाइल्ड जो है वो इसको बैकवर्ड चाइल्ड। बोलते हैं। विच ऑफ द अमंग ऑफ द फॉलोइंग नीड्स आर हायर ऑर्डर नीड्स? ऑप्शन बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम। यस सर, सेल्फ एस्टीम, नीड्स, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वॉज गिवन बाय? स्किनर, बीएफ स्किनर। मेरे पास ये आंसर है, चेक कर लेना एक बार। आइडेंटिकल एलिमेंट्स वैसे द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय पेवलव। सर, लर्निंग तो स्किनर के साथ ही है, मतलब जुड़ी हुई। लर्निंग तो पेवलव के साथ भी है। कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज रिलेटेड टू? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन बी, यस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। लेटेंट लर्निंग रेफर टू? देखो, अब हमने 10 से 12 प्रैक्टिस सेट कर लिए और अब आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं डायरेक्टली, तो इट मींस अच्छी प्रैक्टिस हो गई है आप लोगों की। लग रहा है सभी को ऐसा? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, लेटेंट लर्निंग रेफर टू ऑप्शन 27 के लिए ऑप्शन नंबर ए। ए, वेरी गुड। इमीडिएट लर्निंग, लर्निंग विच रिमेन्स लर्निंग डोमिनेंट फॉर समथिंग समटाइम्स, थोड़े टाइम के लिए। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली? तो एक चीज तो निकाल लीजिए, मीन कैसे निकालते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करिए, डिवाइडेड बाय 5, कितना आता है? 5, 5, 10 और 5, 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? थ्री, ठीक है, तो स्टैंडर्ड पापा डेविएशन निकालो दो, इसकी। कैसे निकालेंगे? दो,
28 के लिए जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चेक कर लेना इसको स्टैंडर्ड एविएशन से फॉर्मूला स्टैंडर्ड एविएशन कैसे निकालते हैं? ये आता है उसका, वो चेक कर खाने लेना वाले आप लोग, लगाते हैं ट्रांस। ठीक है? ओके सर, अभी मेरे को याद नहीं है तो आप लोग निकाल लेना। एनीथिंग इज, क्या लिखा है ये पढ़ो इसको, क्या लिखा है, रिस्पॉन्स विद एनीथिंग इज, एक मिनट रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूँ। आगे देख लेते हैं। एनीथिंग इज एलिकेटेड या फिर क्या है क्राइटेरिया, रिस्पॉन्स विद आउट सुपीरियर लर्निंग, पॉजिटिव कंडीशनिंग है, कंडीशनल स्टिमुलस है, पॉजिटिव रेनफोर्सर है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, नेगेटिव रेनफोर्स है। ए ऑप्शन ए। कौन सा क्वेश्चन है 29 के लिए जो राइट आंसर है दैट इज सी, अनकंडीशनल स्टिमुलस, चेक कर लेना इसको भी। एनीथिंग दैट एलिकेट है, रिस्पॉन्स विद आउटपीरियर लर्निंग इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, मोटिव इज ए, बताओ जल्दी से मोटिव क्या है। ऑप्शन ए पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, स्ट्रेस, डी पर्टिकुलर कंडीशन, ए डिजायर, हो जाएगा यस सर, यस सर। 10 मिनट और ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चन कर लें 10 मिनट में। यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर करना। इजी क्वेश्चन रहेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। एक सेकेंड दे देंगे। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, ज्वार, मक्की, मूंगफली और गेहूं? गेहूं, गेहूं बी गेहूं, क्या आएगा बताओ जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन गेहूं, दे गेहूं, रहा हूं। गेहूं गेहूं, आएगा सर, गेहूं जो है वो गेहूं। आपका खरीफ की फसल नहीं है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, सभी को पता है, एडम स्मिथ, सुना है अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, एडम ठीक स्मिथ, है? ठीक है, सलाल परियोजना किस नदी पे बनी है, सलाल विद्युत झेलम, झेलम, परियोजना, चिनाब, झेलम, रावी या फिर सतलुज? चिनाब, 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 सलाल, चिनाब, ठीक है। सिलाल, चिनाब। ओके सर, नेक्स्ट आता है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्र से ढका हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मध्य हरियाणा, प्रदेश, मध्य मध्य प्रदेश? प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य तो प्रदेश, आपका क्या आ मध्य जाएगा, मध्य प्रदेश। प्रदेश, भारत में गंगा मैदान किसके बीच में स्थित है, दक्कन के पठार, नर्मदा सीमा, दक्कन का पठार, अरावली, उपद्वीपीय पठार, नर्मदा सीमा या फिर उपद्वीपीय पठार और हिमालय? दक्कन पठार, अरावली, दक्कन के पठार। मेरे पास है उपद्वीपीय पठार और हिमालय। सर क्वेश्चन क्या था? भारत में गंगा के मैदान निम्न में से किस किसके बीच में स्थित है, तो एक साइड ओके तो okay. हिमालय रहेगा, दूसरी साइड उपद्वीप के पठार आ जाएंगे। नर्मदा और ताप्ती निम्न में से किस तरफ बहती है, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, बताओ जल्दी से। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम पूर्व, पश्चिम, जल्दी से,
की ओर। तो हमने पढ़ा था अरेबियन सी वाली साइड, नर्मदा बताई थी मैंने, अरब सागर की साइड, यस सर। तो ये आपका पश्चिम वाला आ जाएगा। कंचनजंगा चोटी निम्न में से कहाँ पे स्थित है? हिमाचल, सिक्किम, हिमाद्री, अंचल, हिमाचल, हिमाद्री, सायाद्री, अनाई मल अन्नामलाई। अन्नामलाई, अन्नामलाई, 1-0, अन्नामलाई, हिमाद्री। कंचन, कंचनजंगा जो है वो आपकी हिमाद्री आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी का वास्तविक आकार क्या है? समतल, वृत्त, गोल जी। या फिर अंडाकार? अंडाकार, अंडाकार एलिप, रहेगा, अंडाकार, ठीक है, अंडाकार, एलिप्स, एलिप्टिकल बोल सकते हैं। एलिप्टिकल पाथ। यस सर। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 ओ, ए या फिर 1? 243, ए, 243, सिंपल 243 होगा, वो आपका जो है वो राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट आता है धारा 17, किससे जो अब अभिप्राय किससे है? सर, परसिता, अप्रिस अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त कर अनटचेबिलिटी, दिया गया है, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी से जो है वो संबंध रखती है। हर सर। समय 1717, ओनली 17। ओके। भारत का पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? लाला लाजपत राय, राजा राम मोहन राय, शहीद भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। राजा राम मोहन राय, राजा राम ठीक मोहन है, राजा राम मोहन राय। हर्षवर्धन की राजधानी कल भी पढ़ी थी हमने, कहाँ पे है? राय। कन्नौज। कन्नौज, 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 दांडी मार्च कब स्टार्ट हुई थी? 1930, 12, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, मार्च 1930, ठीक है। अकबर के यस। शासनकाल में निम्न में से कौन सी भाषा अदालतीय भाषा थी? हिंदी, उर्दू, फारसी या फिर अरबी? फारसी, उर्दू, अरबी, फारसी, अरबी, अदालती भाषा, पारसी, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को द्वारा। ठीक है। कौटिल्य कौन थे? मगध के प्रधानमंत्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ, विष्णुगुप्त या प्रसिद्ध फिर विप्रोक्त अर्थशास्त्री, सभी? अर्थशास्त्र, ऑप्शन, ऑल ऑप्शन हो गए सर, विष्णुगुप्त भी होगा, मगध के प्रधानमंत्री भी और प्रसिद्ध, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीस। यस सर। नेक्स्ट आता है यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है? यूरोपियन संघ का जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया। अपरांत, बेल्जियम। सिंधु जल नदी जल संधि पे कब हस्ताक्षर हुए थे? सिंधु जल संधि पे 1947, 1907, 1907, 50, 60, 62, 62, 62, 1960, 1962, अच्छा 60, 1960, ठीक है। मेरिनो किसकी एक प्रजाति है? मेरिनो, और सीप की, भेड़,
सिर्फ भेड़ की। लू शब्द जो है वो संबंध रखता है प्रकाश से, गर्मी से, ठंडी हवा से, गर्म हवा हवा से। गर्म हवा से तो क्या आ जाएगा? गर्म हवा। सबसे ऊंचा झरना, विश्व का सबसे ऊंचा झरना, वेरी इंपॉर्टेंट करवा रखा है, नियग्रा विक्टोरिया एंजल। एंजल 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 जो है वो जलप्रपात। क्या आ जाएगा? सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात आ जाएगा भारत। इसको छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 15 के मौलिक अधिकार का वर्णन किसका करता है? अवसर की समानता, छुआछूत की समाप्ति, कानून के समक्ष समानता, या फिर सामाजिक और सार्वजनिक स्थानों की समानता। अफसर की समानता, के समक्ष अफसर की समानता, समानता, सामाजिक समानता और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच में समान पहुंच। इसके बाद है सर कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 15। नीला ग्रह किसको कहते हैं? ये तो सभी को आता है। पृथ्वी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? स्टेफनी पॉल, जंको तवाई, संतोष यादव, या फिर हिलेरी। जंको तवाई तवाई तो क्या आ जाएगा? तवाई जुको तवाई। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है कुल? सर ऑप्शन रिपीट करना, ये क्वेश्चन रिपीट करना। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 90, 180, 280, 360। 360, 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 360
181 और 183 जाता है, कहीं पे 180 भी है कहीं पे 181। ठीक है सर, फिर क्या ये 180 क्या है? अक्षांश, अक्षांश, वो क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये होते हैं आपके लॉन्गिट्यूड और ये वाली आपकी लैटिट्यूड, सॉरी ये लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड कितने बोले आपने? जो आपके पास लॉन्गिट्यूड है वो 360 है, लैटिट्यूड जो है वो आपके 180 है, 180 या फिर 181 अगर इक्वेटर को काउंट ओके करेंगे सर, तो 181। ठीक है। ओके सर, भरतनाट्यम किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम तमिलनाडु, 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 तमिलनाडु। पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? अगस्त 1932, अक्टूबर, सितंबर या फिर नवंबर? अगस्त अगस्त, अगस्त, अक्टूबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? सितंबर 1932। महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? नाइनटीन 1922, 1917, सेवनटीन याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या था? यस सर, महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? 1917। मैंग्रोव वन पैदा होते हैं, मैंग्रोव वन पैदा होते हैं दूषित प्रदूषित जल में, साफ जल में, खारे जल में, ए और बी दोनों। खारे जल में, खारे जल में, खारे तो आपके ये वाले जो है वो खारे जल में पैदा होते हैं। क्लियर है इतना? में। यस सर, टॉन्स किसकी सहायक नदी है? ब्यास, यमुना, सतलुज यमुना, आदि। टॉन्स यमुना, तो यमुना की आ जाएगी, ठीक है। यस सर। बाकी तो लौह पुरुष किससे कहा जाता है ये भी पढ़ रखा है हमने, लौह पुरुष। यस,
यस सर, सरदार वल्लभ। सरदार पटेल। इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हिस्ट्री में प्रिंस बिस्मार्क। ठीक यस सर, बिस्मार्क। यस सर, है। शक संबत का पहला महीना वैशाख, फगुन, चैत्र, चैत्र या फिर फाल्गुन। चैत्र, चैत्र, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? कांसा, चांदी, तांबा, लोहा तांबा, या फिर तांबा। तांबा, 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 तो आपका क्या आ जाएगा? तांबा। तांबा। इसके अलावा भगवान शिव की 81 फुट ऊंची जो है वो प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थापित है? बैजनाथ, कोटला मणिकरण, कोटल कलां, बिजली महादेव। कला, कोटल कोटला कला, कलां। कोटल कलां आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रेजेंट फ्यूचर, ऑप्शन बिलासपुर प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक कौन है? सर, एम के गांधी, जे हरिश्चंद्र, एम एस गिल, आनंद चंद। गांधी, तो आनंद इसका आ जाएगा चंद, आनंद चंद। एम के गांधी। आनंद चंद। सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की बने? शानन, शानन, भाखड़ा, शानन, तिरोप। शानन आ जाएगा, शानन, जोगिंदर नगर वाले। ठीक है। शानन, मैड्रिड जो है वो किसकी राजधानी है? स्पेन। नगर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? यूएन महासचिव का 3, 4, 5 या फिर 7? 5 5 वर्ष। का। ठीक है। तो चलिए, काफी आज के लिए इतना। कल फिर हम एक और पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके सर, मिलेंगे आप सभी से थैंक इस क्लास यू सर। के अंदर।